नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सार्थक फाउंडेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय संत सुरक्षा मिशन के संयुक्त तत्वाधान से नरुका प्राइड होटल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र मीणा व डॉक्टर क्षितिज गुप्ता ने रक्तदान को महादान बताया व सार्थक फाउंडेशन के इस कार्य की सराहना की। इस मौके पर डॉक्टर क्षितिज गुप्ता लक्ष्मीकांत सीए ने बताया कि शिविर में सुबह से ही लोगों का रक्तदान करना प्रारंभ हो गया, इसके प्रति लोगों का काफ़ी रुझान देखने को मिला। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। शिविर में कुल 243 यूनिट ब्लड का दान किया, जिसमें से 45 यूनिट सामान्य चिकित्सालय, 45 यूनिट रिया हॉस्पिटल, बाकी 153 यूनिट गुरुकुल ब्लड बैंक जयपुर को दिया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। बना रहे इस प्रकार का प्रेरणा देने के लिए आप सहयोग करें अपना डॉक्टर दिनेश जी का पीएमओ राष्ट्रीय चिकित्सालय उपलक्ष्य में पहुंचने का। तो गंगापुर सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड धीरे धीरे बना रही है और खून ब्लड जिसे हम कहते हैं वो अनमोल है, वो किसी केमिकल से, किसी फैक्ट्री से, कहीं से नहीं बनाया जा सकता। इस टाइम पर इतना विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। रक्तदान शिविर की महत्ता सब जानते हैं, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही मेरे को इस बात की भी खुशी है कि कार्यक्रम में जो भी आगंतुक है उन्होंने सरकार की गाइडलाइन के अच्छे से पालना की है। का विषय है गंगापुर सिटी में इतने बड़े लेवल पर और इतना जल्दी दूसरा हमारे को ये रक्तदान शिविर देखने को मिल रहा है। राजकुमार जी और जो सार्थक फाउंडेशन की जो टीम है वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बधाई की, धन्यवाद की, साधुवाद की पात्र है। आज का विशाल अब तक का सबसे बड़ा ब्लड ट्रांजिशन कैंप होने जा रहा है। ये हमारे गंगापुर सिटी के लिए बहुत गर्व की बात है। इतना बड़ा ब्लड ट्रांजिशन कैंप मैंने तो नहीं देखा, जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तब से मैंने इतना बड़ा ब्लड ट्रांजिशन कैंप नहीं देखा। इतने छोटे से शहर में इतना बड़ा ब्लड ट्रांजिशन कैंप होना गंगापुर वासियों के लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है। शानदार पहल है और पहल से आम जनता ने जागरूकता फैले की और ब्लड देने की जरूरत पैदा होती है। ब्लड स्वास्थ्य के लिए कुछ मरीजों का अति आवश्यक होता है, जब ब्लड की सुपर्ति होती है कुछ बाहर काम नहीं आती है, इसलिए ब्लड बैंक में बैंक ब्लड होना जरूरी है। बिना ब्लड के बैंक कोई काम की नहीं होती है ब्लड बैंक, और जो साथ फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है वो अति उत्तम है। मैं इस रक्तदान शिविर के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, सार्थक फाउंडेशन और संत सुरक्षा मिशन के सहयोग से ये जो रक्तदान शिविर लगाया गया है ये रक्तदान पुनित कार्य के लिए लगाया गया है। इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के चलते मद्देनजर रखते हुए इस कैंप का आयोजन हमने किया है। रक्तदान शिविर में लक्ष्य रखा है, इससे पहले भी हमने मई माह में 3 रक्तदान शिविर लगाए थे, एक 42 यूनिट लगाया था जो सरकारी ब्लड बैंक के साथ लगाया था, एक लगाया था 21 यूनिट का जो रिया ब्लड बैंक के साथ, और तीसरा रक्तदान शिविर लगाया था 102 यूनिट का जो गवर्नमेंट टीम रिया टीम जयपुर वाली टीम के साथ लगाया था। इसके बाद में हमने जब इस चीज़ को नोटिस किया कि गंगापुर में और जयपुर में रक्त की कमी को सामना करना पड़ रहा है, इसके तहत हमने आज 300 यूनिट का रक्तदान शिविर लगाया है। गंगापुर सिटी में स्थानीय सुभलक्ष्मी मिल के पास आरोग्य साधना योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरतन कोहली के कर कमलों से पूर्ण विधि विधान व पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, तहसीलदार ज्ञानचंद जैमल रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि यह केंद्र लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सुविधाओं का लाभ लेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि योग को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। संस्थान के मुख्य चिकित्सक भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि संस्थान में मोटापा, थायराइड, शुगर, कमर दर्द, गठिया वाय सहित कई बीमारियों का इलाज प्राकृतिक रूप से किया जाता है। यह संस्थान क्षेत्र का पहला संस्थान है जहां योग साधना के द्वारा बीमारियों का इलाज किया जाता है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट।
वादे हैं जो 30 तारीख को रेंडम सैंपल लेंगे। इसके अलावा सरकार ने काफ़ी रिलैक्स कर दिया है, पहले वो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आते थे उनको भी जयपुर भेजा जाता था, लेकिन अब हमारे यही कोविड केयर सेंटर में अच्छी व्यवस्था है। अगर जो जिसके पास घर पे होम क्वारंटीन की सुविधा है उसको घर पे भी होम क्वारंटीन अलाउ कर रहे हैं, और जो भी सुविधाएँ हमारे मेडिकल विभाग वाले दे रहे हैं वो सब दे रहे हैं। जो कोविड केयर सेंटर में जाते हैं उनके पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है, सेपरेट आइसोलेशन के लिए घर नहीं है। कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का, जब तक पूरा नहीं हो, जड़ से खत्म नहीं हो, तब तक काम पूरा नहीं माना जाता। इसी क्रम में जब चिकित्सा विभाग भारतीय पद्धतियों से हट करके जब ये मॉडर्न साइंस का डाउन हुआ, डाउन का मतलब अभ्योदय जब हुआ, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब ये मॉडर्न साइंस एकदम से बहुत ज़्यादा उपयोग में आना चालू हुआ। जब ये मॉडर्न साइंस उपयोग में आती थी उसके पहले भी लोग बीमार पड़ा करते थे, और उसके पहले भी लोग अपनी बीमारियों का इलाज भी कराते थे, और वो सारे के सारे इलाज प्राकृतिक ढंग से ही हुआ करते थे। अजमेर के वोराज राणा तालाब के ग्राम पंचायत कई सालों से सड़कों के निर्माण के लिए परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में रास्ते में पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों के आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में शीघ्र ही सड़कों का निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ना ही तो सड़कें हैं, ना ही नाली है, बारिश के दिनों में पानी भरता है, पानी घरों के अंदर तक जाता है, हमारे बच्चे हम बहुत परेशान हैं, और पानी के अंदर सांप गोयरे ऐसे निकलते हैं। तो हम कितने सालों से काम, ये हमारे कई सालों से हम काम बंद ही है, ना ही तो हमारे कोई वार्ड मेंबर सुनाई करता है, ना ही हमारे सरपंच सुनाई करता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुपर कॉरिडोर ब्रिज के समीप बैंक लूट के आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। आरोपी रुपयों के बंटवारे के लिए मौजूद थे। आरोपी पुलिस और अपराधियों के बीच हुई फायरिंग, दो लोगों के पैरों में लगी गोली। 3 आरोपियों को एम्बॉय अस्पताल में किया भर्ती, साथ ही 3 लाख रुपए बरामद किए। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अंकुर, जिसका बैंक खाता मौजूद था, आर्थिक तंगी के चलते बैंक लूट की घटना को दिया अंजाम। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। बताओ कैसे